नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी का नाम गोल्जी यू पड़ा क्योंकि कैमिलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया कि भाई केंद्रक के पास एक घनी स्टेन वाली एक जाल रूपी संरचना देखी मैंने, एक जाल रूपी संरचना देखी। तो क्या किया उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग क्या दे दिया, गोल्जी बॉडी येलो साहब। और क्या बताया इन्होंने कि ये है ना एक चपटी डिस्क लाइक शेप है, ये चपटी डिस्क लाइक शेप है और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। अब इसका व्यास दिया है इतना, ये देख लो मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो पैमाने दिए हैं माइक्रोमीटर में नैनोमीटर में, ये पैमाने याद कर लेने हैं। इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं कि भाई इसकी माप कौन से की है, भाई माइटोकॉन्ड्रिया की माप दे देंगे, गोल्जी कॉडी की माप दे देंगे, राइबोसोम की दे देंगे, जीवाणु की दे देंगे, विषाणु की दे देंगे, अरेंज करवा देंगे भाई सबसे छोटे से लेके बड़े तक का क्रम अरेंज करो, या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देंगे, कॉलम ए में लिख देंगे साइज़ और कॉलम बी में लिख देंगे नाम कि भाई मिलाओ ये किसकी साइज़ है ये किसकी साइज़ है। मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। नेक्स्ट अभी मैं बता दूँ ये कहना क्या चाह रहा है, मैं मतलब लाइन टू लाइन पढ़ूँ इससे अच्छा मैं बता दूँ ये क्या है। देखो यहाँ पे था न्यूक्लियस, ठीक है, इससे क्या निकल रही थी, ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने पढ़ ली, कुछ के पास राइबोसोम थे कुछ के पास नहीं थे, जिनके पास राइबोसोम थे उन्हें खुदरी कहा गया और जिनके पास राइबोसोम नहीं थे वो चिकनी कहा गया। चिकनी क्या करती थी, लिपिड बनाती थी, लिपिड किसको कहाँ भेजती थी, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजती थी। राइबोसोम होते थे वो क्या करते थे, वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते थे, ऐसे प्रोटीन राइबोसोम थे अपने बीच में लेते थे ये mRNA को और ये बनाते थे प्रोटीन। इसी के बाहर एक देखी गई एक स्टेन प्रोसेस ये देखी गई, ये क्या थी, ये गोल्जी बॉडी थी, ये इस तरह से देखी गई भाई। नली का रूप में भी थी और पुट्टी का रूप में भी थी, ये नली का रूप भी कनेक्ट थे इस तरह से कनेक्ट थी दूसरे से। सबसे नई वाली सिस मीडियम ट्रांस, ये न्यू और ये ओल्ड, मतलब जैसे जैसे ये बनती जा रही है ना वैसे वैसे देखो ये बन रही है छोटी सी, फिर ये बन चुकी कब की और ये बड़ी वाली सीनियर है, मतलब निकल जा रहे हैं बच्चा एकदम निकल जा रहा है इस तरह से अरेंज है, मतलब इस तरह से अरेंज है। सिस क्या है, सिस ये वाली है, मीडियम ये वाली है और ट्रांस ये वाली है। अब नेक्स्ट बात सुनो मेरी, कान खोल के सुनो, NCERT में नहीं है बट मैं बता रही हूँ आपको, जो सिस है इसका अलग फंक्शन है, मीडियम का अलग फंक्शन है, ट्रांस का अलग फंक्शन है। ये मत सोचना कि ये नई है ये पुरानी है तो कुछ भी फंक्शन नहीं है, पुरानी हो गई तो पुरानी हो गई, ना ना। यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, परंतु किस कौन से शुगर पे होता है वो शुगर डिफरेंट है, जिन शुगरों पे होता है फॉस्फोरिलेशन वो शुगर डिफरेंट है। सल्फेशन होता है, होता है, होता है, पर किन किन मॉलिक्यूल्स पे सल्फेशन होता है। देखो फॉस्फोरेशन मतलब क्या है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर ये फास्फेट का ग्रुप ऐड कर दो, कोई भी मॉलिक्यूल है इस पर सल्फेट का ग्रुप ऐड कर दो, यही होता है बेटा फॉस्फोरेशन, ये होता है सल्फोरेशन, ये इसमें नहीं है बट मैं बता रही हूँ आपको। दूसरा भाई केंद्रक से आने वाले सिग्नल सबसे पहले किसके पास आएंगे, किसके पास आएंगे, ईयर के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये अपने सिग्नल किसको देगा, सबसे पहले सिस को, फिर ये मीडियम को देगा और ये ट्रांस को देगा। क्या इतना इजी है, नहीं 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 क्या इतना इजी है क्या, ये इसको सिग्नल दे दिया, इसको सिग्नल दे दिया, इसको सिग्नल दे दिया, मतलब कोई 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 मेहनत ही नहीं है, कोई कोई काम ही नहीं है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, मतलब हो गया सिग्नल चल गया। नहीं जी नहीं, बिना मेहनत के काम ही नहीं होता। यहाँ पे मान लो मैं बना देती हूँ ER, ये ER थी, यहाँ से सिग्नल गया, सिग्नल एक वेसिकल में भी कोट हो सकता है और सिग्नल एक सिग्नल मैसेज भी हो सकता है, सिग्नल एज ए मैसेज भी हो सकता है और सिग्नल एक पुट्टिका के रूप में भी हो सकता है कि भाई इसके अंदर सिग्नल है मैसेज है, जाओ फटाफट जाके पहुंच जाओ किसके पास, फटाफट जाके पहुंच जाओ गोल्जी के पास। गोल्जी के पास पहुंच गया जी, पहुंच गए साहब, ये सिस है, ये मीडियन है, ये ट्रांस है। देखो बेटा ये जो सिस्टम है ना एंडो मेम्ब्रेनिक सिस्टम है, देखो ये एंडो मेम्ब्रेनिक सिस्टम के पार्ट है। तो मैंने ईयर कंप्लीट करवा दी थी,
मैंने ईआर कंप्लीट करवा दी थी, इसके बाद पार्ट है गोल्जी कॉय, मतलब मैसेज न्यूक्लियस से पहले अंतःपदी विजालिका में आते हैं, उसके बाद आते हैं गोल्जी में और उसके बाद जाएंगे इसमें, ठीक है ना। मैं वही सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ, ऑर्गेनेल का भी वही सीक्वेंस है। न्यूक्लियस से मैसेज आए इसमें, इससे मैसेज आएंगे बाहर, या तो वेसिकल के फॉर्म में आ जाएंगे या फिर कोई सिग्नल के फॉर्म में आ जाएंगे। वेसिकल के फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर रिसेप्टर होगा, यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा, और अगर वेसिकल्स के फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर ये क्या धस जाएगी अंदर, ये क्या हो जाएगी अंदर धस जाएगी, और जो भी सिग्नल इसने दिए इसको दे देगी, ये इसको रीड करेगा और रेस्पॉन्स करेगा, मतलब जो करना करेगा, फिर बाद में ये मैसेज ऐसे वेसिकल के थ्रू इसको दे देगा। अगर भाई मैसेज के थ्रू जाना है तो रिसेप्टर होगा, और अगर मैसेज वेसिकल के रूप में जाना है तो ये देखो वेसिकल इसमें घुस गई, देख रहे हो। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको एडवांस कर रही हूँ, मैं आपको एडवांस कर रही हूँ। देखो यहाँ पे सिस दे दिया है, ट्रांस दे दिया है, बीच में मीडियम नहीं है, संदेशों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं मैं बता रही हूँ आपको, कैसे जा रहे हैं बेटा, कैसे जा रहे हैं मैं बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ये एडवांस लेवल कर रही हूँ मैं, एडवांस लेके जा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ से वेसिकल की फॉर्म में आया मैसेज, इसने रीड किया, अच्छा जी ये मैसेज आया, अच्छा फॉस्फोरेशन करना है, अच्छा सल्फेशन करना है इस पर, अच्छा जी ठीक है कर देंगे, वो रेस्पॉन्स दे दिया, बस जितना काम तुमसे हो रहा है भला इतना तो हो गया, और बाकी का मैसेज है ना इसको आगे वाले को दे दो। तो यहाँ से एक वेसिकल निकलेगी और इसके पास अंदर जाएगी, इसको पढ़ेगा, रीड करेगा और फिर रेस्पॉन्स करेगा कि अच्छा ये काम करना है, वो काम करेगा, और फिर ये अपनी एक वेसाइकल बनाएगा, ये पुट्टिका बनाएगा, और ये पहुंचा देगा लाइसोसोम के पास कि बेटा फटाफट तुरंत प्रभाव से क्या इसमें आ जाएगा। बेटा ऐसे कर, तुरंत प्रभाव से, बेटा तुरंत प्रभाव से तू क्या कर, एंजाइम बना, एंजाइम बना, और ठीक है मैंने ये काम कर दिया, बोला अब ठीक है अब आगे मैसेज भेज दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अब यहाँ से इसके बाहर निकलने के बाद मैसेज कैसे भी जा सकते हैं, पेरोक्सिसोम के पास भी जा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने लाइसोसोम ही क्यों लिखा, क्योंकि ये चेन चल रही है इसकी भाई, इसकी वेसिकल इसमें, इसकी वेसिकल इसमें, इसकी वेसिकल इसमें, यहाँ पे जो जो ये यहाँ पे है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और जो पेरोक्सिसोम है ना, यहाँ पे ये वेसाइकल नहीं लेते, ये सिग्नल लेते हैं, इनके पास रिसेप्टर होते हैं, सिग्नल लेते हैं ये सिग्नल लेंगे, ये सिग्नल लेंगे ना कि ये वेसाइकल, इस वजह से इनको ये कुछ भी दे रहा है, इसको ही दे रहा है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे रहा है। अब समझ में आया कि न्यूक्लियस, एक ये बादशाह न्यूक्लियस कैसे ऑर्डर दे रहा है, न्यूक्लियस किस तरीके से ऑर्डर दे रहा है कि तू ये कर तू ये कर, और हाँ ये तू रख, जिसे होता नहीं है क्या भाई, जैसे ये इतनी सारी बेंचें होती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, तो जो टीचर होता है ना वो आगे को दे देता है, 10 ढेर इसको दे देगा कॉपी के, 10 ढेर इसको दे देगा, बोला एक तुम रखो बाकी आगे पास कर दो, एक तू रख आगे बाकी पास कर दे, वो एक रखता है बाकी आगे पास कर देता है, वो एक रखता है वो आगे बाकी पास कर देता है, फिर वो एक रखता है बाकी आगे पास कर देता है, ये इस तरह से पासिंग पासिंग खेलते हैं, वही चल रहा है, वही चल रहा है भाई। हम तो ऐसे ही करते थे भाई, कौन यहाँ से आगे से लेके पीछे तक बांटेगा कॉपी जाके, वहाँ पे नहीं बांटेगा, वो आगे है ना टीचर लोग ढेर रख देते कॉपियों का, ये लो अपनी अपनी कॉपियाँ हैं ना लो और बाकी आगे पास कर दो, तो अपनी अपनी कॉपियाँ लेते हैं और बाकी आगे पास, अपनी वो लोग अपनी कॉपी लेंगे और आगे पास, जो उनका मतलब की कॉपी है वो अपनी अपनी हिसाब से अपनी अपनी कॉपी ले लेंगे, वो आगे पास कर देंगे, बस यही है। रेस्पॉन्स सिग्नल्स आए, बहुत सारे सिग्नल्स आए हैं, ईआर ने लिए और आगे पास कर दिए, जो इसको करना था प्रोटीन संश्लेषण वो इसने किया और बाकी आगे पास कर दिया। फिर यहाँ से मैसेज आया गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी किस में आया, सिस में आया, सिस को जो काम करना था वो काम किया और बाकी आगे पास कर दिया, किसकी फॉर्म में, वेसाइकल की फॉर्म में, जो उसको आता था वो किया और बाकी उसने आगे पास कर दिया। फिर किसके पास आया, मीडियम के पास, मीडियम को जितना आता था उसने किया और बाकी कॉपी आगे पास कर दी कि भाई सब इतना ही काम था मेरा, बाकी आप करो। ट्रांस के पास मैसेज गया, ट्रांस ने अपना काम किया, बाकी मैसेज आगे लाइसोसोम को पास कर दिया। ये देखा चेन चल रही है, चेन चल रही है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ईआर, ईआर से सिस, सिस से मीडियम, मीडियम से ट्रांस, ट्रांस से लाइसोसोम, और लाइसोसोम ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आदेश दे दिया कि फटाफट ये मॉलिक्यूल है ना वो बाहर से अंदर ले आओ, हैं, और अंदर से बाहर भेज दो ये मॉलिक्यूल्स। समझ गए मेरी बात बेटा, समझ गए, मॉलिक्यूल अंदर से, मतलब तो बाहर कोई मॉलिक्यूल है वो हमें चाहिए तो वो अंदर भेज देगा। यहाँ पे कुछ भी ट्रांसपोर्टर भी लगे हो सकते हैं, पंप भी लगे हो सकते हैं, चैनल भी लगे हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, बाहर की चीज़ को अंदर ले लेंगे और अंदर की चीज़ को बाहर भेज देंगे। अब समझ में आया ये पुल, समझ में आया कि नहीं आया मेरे लड्डू, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वेसाइकल कैसे फॉर्म हो रही है बता देती हूँ।
भाई एक सिस है, ठीक है, ईआर से एक सिग्नल आया, इसके पास आया, एक सिग्नल ऐसा भी आता है, वो किसके पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास और पेरोक्सीसोम के पास, अगर प्लांट की बात कर रही हूँ तो क्लोरोप्लास्ट के पास, सिग्नल इनके पास जाते हैं, लेकिन वेसाइकल गोल्जी के पास आती है, लाइसोसोम के पास आती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आती है, इसके पास गया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये यहाँ पे पहुँची, इसने रीड किया, कोड किया, फिर क्या होगा, अब इसको वापस से पहुँचाना है, वापस से पहुँचाना है कहाँ, मीडियम में देना है, तो ये क्या करेगी, देखो एक उभार बना लेगी, एक उभार बना लेगी इस तरह से, ये उभार टूट के अलग हो जाएगा। अब ये बाहर किसके पास जाएगा, ये बाहर जाएगा मीडियम के पास, वो भी गोल्जी का ही पार्ट है, वो भी गोल्जी का ही पार्ट है, ये यहाँ आ गया। ये यहाँ आने के बाद क्या होगा, ये फंक्शन हुआ, रीड हुआ, काम किया, एंड देन अब इसको आगे पहुँचाना है, तो ये क्या है, अब ट्यूब की फॉर्म में ऐसे देखो ये बाहर निकलाएगी, ये बाहर निकलाएगी, अभी किस पे जाएगी, ये ट्रांस पे जाएगी, ट्रांस पे आ गई, ये ट्रांस पे आ गई, रीड किया मैसेज, वो कोड किया, हाँ भाई ठीक है अब बाहर निकाल दो, तो फिर क्या होगा, ये उभार आएगा यहाँ से, ये टूट के अलग, और ये लाइसोसोम के पास चला जाएगा, लाइसोसोम के पास चला जाएगा, लाइसोसोम के बाद क्या होगा, अब यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, किसके पास आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ गया। ये लो बड़ा डिटेल में समझा दिया मैंने आप लोगों को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम कर रही थी, और हमने अब कंप्लीट कर लिया कौन सा ऑर्गेनल, गोल्जी बॉडी, देख लो मैंने सारा जरूर से ज़्यादा ही कर दिया। गोल्जी को एक ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, कहाँ जाएंगे ये ग्लाइकोलिपिड, लिपिड कहाँ जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे ना, इन टाइप है, बस क्वेश्चन आ गया ना तो ये लिख के आओगे, पहले ही बोल दे रही हूँ, क्वेश्चन आएगा ना तो ये 10 लाइन में ख़त्म नहीं करके आओगे वहाँ बैठ के। मैंने आपको डिटेल में बताया, इस पर तो 1 वर्ड ही दिखा दिया है, मैंने पूरा डिटेल में बताया है कैसे काम कर रहा है, अंतरकोशी के लक्ष्य तक पहुँचाना, मतलब जितने भी सिग्नल हैं, मैसेज हैं, उनको किस तरह से पहुँचा रहे हैं, मैंने आपको सिग्नलिंग बता दी है पूरी की पूरी, ये लिख के आओगे पूरा, ये पूरा लिख के आओगे, पहले बोल दे रही हूँ। वही न्यूक्लियस से सिग्नल गए ईआर में, ईआर से गए गोल्जी बॉडी में वेसिकल के रूप में, वेसिकल रूप में पहले किससे टकराएंगे, सिस के पास, सिस ने अपना काम किया, उसके बाद मैसेज भेज देगा आगे मीडियन के पास, मीडियन के बाद मैसेज भेज देगा वो ट्रांस के पास, ट्रांस के पास जाएंगे लाइसोसोम के पास, लाइसोसोम के पास जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो ये अपना ऑर्गेनल ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट अपना ऑर्गेनल आता है लयनकाय, लाइसोसोम, आत्मघाती तेली भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्यों, इसके पास एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, किसी चीज़ को भी तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं, जैसे अपघट्य एंजाइम है, कौन कौन से, याद करो याद करो फटाफट याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस, आइलाइपिस, प्रोटीजिस, कार्बोहाइड्रेट, जैसा ये नाम है ना वही कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, जल को तोड़ रहा है। ये अपनी किस फॉर्म में एक्टिव होते हैं, ये अपनी अम्लीय फॉर्म में एक्टिव होते हैं, मैं समझाती हूँ आपको, आओ, अरे क्या हो गया, हाँ इधर आओ, ये लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पीएच है, पीएच कैसा है, अम्लीय, अम्लीय मतलब कहीं ना कहीं पीएच कम है, भाई पीएच ज़्यादा होने का मतलब होता है कि वो क्षारीय है, और ये पीएच कम होने का मतलब है उतने ज़्यादा अम्लीय है, मतलब आप देख लो इसका पीएच मेरे ख्याल से 4.0 to 7.0 इसी के बीच चलता रहता है, कभी 4 कभी 7 कभी 4, 5, 6, 7 कभी 7, 6, 5, 4, इसमें क्या है, एंजाइम्स है, एंजाइम इसी पीएच पे काम करेंगे अपना, हर एंजाइम की अलग अलग निश्चित पीएच होती है, चाहे आप लार की बात कर लो, चाहे पेट में रहने वाले एंजाइम पेप्सिन की बात कर लो, ट्रिप्सिन की बात कर लो, काइमोट्रिप्सिन की बात कर लो, चाहे इस लाइसोसोम में पाए जाने वालों की बात कर लो, सबके एंजाइम का पीएच, एंजाइम बेटा अलग है, जब एंजाइम ही डिफरेंट है तो उनका पीएच भी तो डिफरेंट ही होगा ना, सिंपल सी बात है बेटा, लॉजिक की बात है, इसमें तो शर्माने की बात ही नहीं है। तो ये हो गया लाइसोसोम, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ते हैं, रसधानी वैक्यूल, देखो बेटा ये पादप में है, कुछ प्रोकैरियोट्स में भी है बट मेनली पादप में,
कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह रसधानी कहलाती है। अब बेटा देखो, ये जो रसधानी है, ये जो वैक्यूल है, ये क्या करती है? ये स्टोरेज का भी काम करती है और एक्सक्रीशन का भी काम करती है। स्टोरेज जैसे H2 बोलो, H2 स्टोर कर लेगी, कोई पिगमेंट बोलो पिगमेंट स्टोर कर लेगी, कोई वर्णक बोलो वर्णक स्टोर कर लेगी, कोई एंजाइम बोलो एंजाइम स्टोर कर लेगी, कोई फूड बोलो फूड स्टोर कर लेगी। एक्सक्रीशन जो ज़रूरत नहीं है उत्सर्जी पदार्थ उसको बाहर फेंकवा देगी। बेटा ये काम है इसका। और इसकी जो झिल्ली है ना उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और ये पादप कोशिकाओं में 90% भाग घेरता है, क्योंकि बेटा सबसे ज़्यादा स्टोरेज पादप ही करता है। फूड का स्टोरेज भाई, स्टार्च हो, चाय से सुक्रोज हो, चाहे से ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो। फ्रक्टोज के बारे में एक बात बताई थी मैंने, फ्रक्टोज फ्रूट में पाया जाता है, सारे के सारे फ्रूट्स में। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल अमीबा में बेचारी में देखो, कुछ तो छोड़ो, मैंने क्या बोला पादप में मिलेगी और किस में मिलेगी, कुछ प्रोकैरियोट्स में मिलेगी। बहुत सारी कोशिकाएं आद्य जीवी आर्की बैक्टीरिया खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने में काम होती है। मतलब कुछ भी फूड इनग्लव करना है तो ये क्या उस अकॉर्डिंग अपनी शेप ये ऐसे बनाएगी, और ये बेचारा अंदर, और ये फिर इसके अंदर, खत्म। तो आज अपन ने कौन कौन से सेल ऑर्गन पढ़ लिए? आज हमने बढ़िया से गोल्जी पढ़ ली, हमने लाइसोसोम पढ़ लिया, हमने रसधानी पढ़ ली। अदर क्लियर गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया बढ़िया से। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक यू अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।